नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल GOBPVT को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की सुर्खियों की ओर। बिहार में अब पंचायत करेगी विद्यालय सहायक की भर्तियां। 31 जिलों के खराब भूजल पर मांगी गई रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं का समाधान देगा ये ऐप। बिहार में स्टील प्लांट नहीं बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। बिहार में राजधानी पटना सबसे गर्म। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अब पंचायत करेगी विद्यालय सहायक की भर्ती। बिहार के सभी स्कूलों में अब विद्यालय सहायक की बहाली की जिम्मेदारी पंचायतों की होगी। इसको लेकर बीते दिन ही बिहार सरकार की तरफ से घोषणा भी कर दी गई है, जिसके तहत ही सरकार ने पुराने लिपिक संवर्ग के पदों को खत्म घोषित कर दिया है। साथ ही साथ 1172 लिपिक के पदों को सरेंडर करते हुए विद्यालय सहायक की उतनी ही संख्या में पदों का सृजन किया गया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के कृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक संवर्ग के पद को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित कर रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक के पद पर सृजन किया गया है। उन पदों पर पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों के से नियोजन की स्वीकृति भी दी गई है। बिहार में छात्र छात्राओं के बैंक खाते में जल्द ही भेजी जाएगी बड़ी रकम। बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार जल्द ही बड़ी रकम देने जा रही है। इसको लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में जानकारी दी गई है। इस दौरान ही बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की राशि जल्द से जल्द लाभार्थियों के बैंक खाते को भेज दी जाए। हालांकि इसकी योजना पिछले वित्त वर्ष में ही थी, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में योजना की राशि की निकासी विशेष कारणों से कोषागार से नहीं की जा सकी थी। पैसा निकाल लिया गया है, जल्द ही DBT के माध्यम से खातों में ये भेज दिया जाएगा। SSC MTS 2020 में बिहार का कट ऑफ पहुंचा 93 के पार। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC MTS 2020 परीक्षा के पेपर एक का परिणाम बीती शाम को ही जारी कर दिया। इसमें ही कुल मिलाकर 44,680 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, यानी कि 44,680 अभ्यर्थी अब MTS पेपर 2 में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं SSC MTS परीक्षा की बिहार में कट ऑफ की बात करें तो यहां पर 93 के पार ये हो गया है। वहीं अन्य राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कट ऑफ भी काफी ज्यादा है। वहीं अगर आपने अब तक अपने रिजल्ट को नहीं देखा है तो SSC MTS 2020 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आगे राज्यवार कट ऑफ सूची भी देख सकते हैं। 31 जिलों के खराब भूजल पर मांगी गई रिपोर्ट। हाल ही में बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 38 में से 31 जिलों में भूजल के खराब होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से ही सरकार भी परेशान नजर आ रही थी। वहीं अब बिहार के जिलों को लेकर हुए इस नए खुलासे के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में सभी 31 जिलों में भूजल प्रदूषण पर संज्ञान दिया है, जिसका आधार हाल ही में विधानसभा में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के हवाले से जारी किया गया एक मीडिया रिपोर्ट को बनाया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार के 38 में से 31 जिलों में भूजल आर्सेनिक, फ्लोराइड और अत्यधिक आयरन से दूषित है। ये गंभीर स्वास्थ्य खतरे को पैदा कर सकते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने निकाली रिक्तियां। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने सहायक प्रबंधक के कुल मिलाकर 100 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कानून में स्नातक डिग्री, LLB या फिर इंजीनियरिंग में स्नातक या किसी भी संकाय में स्नातकोत्तर या CA CS CWA CFA या 60% अंकों के साथ PhD डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.sidbi.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स अब भारत में करेंगे अपनी पढ़ाई पूरी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के कारण भारत से हजारों की संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र अब वापस लौटने लगे हैं। हालांकि अभी यूक्रेन की स्थिति ठीक होने की कोई उम्मीद तो नहीं है, ऐसे में हजारों छात्रों के भविष्य अब अंधेरे में नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब भारत ने ऐसे छात्रों को बड़ी उम्मीद दी है, जिसके तहत नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ी राहत देते हुए यूक्रेन से लौटे छात्रों को इंटर्नशिप का मौका देने का फैसला लिया है। हालांकि NMC ने इंटर्नशिप कम्प्लीट करने के लिए एक शर्त रखी है, जिसके तहत इंटर्नशिप पूरा करने का मौका उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा क्लियर कर लिया है। बिहार में राजधानी पटना सबसे गर्म।
बिहार में अब मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है, जिसका असर ही दिन में 10 बजे के बाद दिखने लगता है। जब अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको भी तेज धूप का एहसास होगा। वहीं मौसम विभाग की माने तो बिहार में गर्मी का सितम तेजी से बढ़ रहा है। आलम कुछ यूं है कि राजधानी पटना हाल ही में सबसे ज्यादा गर्म नजर आया। शुक्रवार को ही राजधानी पटना का तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया था, जो कि सही साबित हुआ। 31.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पटना प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी की माने तो प्रदेश में पछुआ हवा सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर इसका प्रवाह बना हुआ है। इसके कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की बात भी कही है। पथ निर्माण के 26 कार्यपालक अभियंताओं का हुआ तबादला। बीते दिन पथ निर्माण विभाग ने 26 इंजीनियरों का तबादला कर दिया, जिसमें से कुछ को प्रमोट करने का काम भी किया गया। विभागीय जानकारी के अनुसार असलम महमूद को मगध पथ अंचल का अधीक्षण बनाया गया है, नवाब आलम को पूर्णिया में अधीक्षण अभियंता और शाकिर अली को पुल निर्माण में अधीक्षण अभियंता, सुरेश कुमार को बीएसआरडीसी में अधीक्षण अभियंता, शैलेन्द्र कुमार को अधीक्षण अभियंता, अनुश्रवंती सुनील कुमार सुमन को पथ प्रमंडल हिलसा का कार्यपालक अभियंता, तालकेश्वर कुमार को सोनपुर का कार्यपालक अभियंता बनाया गया है। इनके अलावा भी कई कार्यपालक अभियंताओं का तबादला करने का काम किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं का समाधान देगा ये ऐप। बिहार के किसानों की समस्याओं का समाधान डिजिटली अब मिलने वाला है, क्योंकि किसानों की समस्याओं का समाधान अब किसानों को एक क्लिक में एक एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार किसानों और पशुपालकों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से ही सीडैक नोएडा और कोलकाता बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के संयुक्त तत्वाधान में मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। उम्मीद है कि इस महीने ये लॉन्च हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये मोबाइल एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसे किसान और पशुपालक अपने सवालों को बोलकर जवाब सुन सकेंगे। अब आप भी सोचेंगे कि ये कैसे होगा, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली हिंदी और बंगाली भाषा को डाटाबेस में फीड किया गया है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति पर फिर से लग सकता है ग्रहण। बिहार में जहां एक तरफ शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, वहीं इसी बीच ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति का काम और देरी से होने वाला है, क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से विधान परिषद चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। इसी बीच छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 14 मार्च से 16 मार्च तक विशेष चक्र की काउंसलिंग की तैयारी हो रही है, यानी कि ये आचार संहिता के दायरे में आ गई है, जिसके बाद ही अब ऐसी संभावनाएं बन रही है कि शिक्षक नियुक्ति में देरी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी समीक्षा की जा रही है। बिहार में स्टील प्लांट नहीं बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। बिहार में आज से 14 साल पहले ही बिहार का पहला स्टील प्लांट बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ये प्लांट नहीं बना है। इसको लेकर ही अब पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ही जवाब तलब किया। इसको लेकर कुछ समय पहले ही राजीव रंजन सिंह की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर ही बीते दिन चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में एक सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा की है, जिसके बाद ही अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2022 को होगी। सीआईएससी ने किया 10वीं और 12वीं की परीक्षा का ऐलान। बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं परीक्षा के सफल संचालन के बाद अब सीआईएससीई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का ऐलान कर दिया है। बिहार के भी छात्र टाइम टेबल के अनुसार 25 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होंगे। 10वीं की परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू होंगी और 23 मई तक चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं भी 25 अप्रैल से 6 जून तक जारी रहेगी। टाइम टेबल आईसीएसई बोर्ड के वेबसाइट cise.org पर जाकर डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके तहत छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में नपे एक और अधिकारी। इन दोनों बिहार में एक के बाद एक धनकुबेर अधिकारियों की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसी बीच अब छपरा के जिला परिषद अभियंता के पास आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद ही अब इनके खिलाफ निगरानी टीम ने आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद कुल मिलाकर 3 ठिकानों पर छापेमारी की। इसको लेकर आज सुबह से ही टीम ने छपरा में जिला परिषद के सहायक अभियंता शंभुनाथ सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी टीम सुबह से छापेमारी करने के काम में लगी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शंभुनाथ सिंह के खिलाफ 3 मार्च को ही निगरानी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ही अब टीम ने छापेमारी शुरू की है। रविंद्र जडेजा ने मोहाली टेस्ट में ठोका शतक। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मोहाली के मैदान पर विराट कोहली के 100वें टेस्ट मैच में दमदार खेल दिखाया। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक ठोका, साथ ही साथ उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की सबसे बड़ी पारी खेली है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका हाई स्कोर 100 रन था, लेकिन अब वो इस आंकड़े को पार करने में सफल हुए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने
अपनी पारी के दौरान 175 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली है। इसके साथ ही उनके बल्ले से आज रनों की बौछार देखने को मिली। जडेजा अक्सर अपना अर्धशतक और शतक पूरा करने के बाद अपने बल्ले से तलवारबाजी जैसी करतब दिखाते हुए नजर आते हैं। आज भी अमूमन ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला। देश भर में कोरोना के मामलों में जारी है कमी, तो वहीं बिहार में भी कम आ रहे हैं मामले। भारत में शुक्रवार को 5,921 नए कोरोना वायरस संक्रमण मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,29,57,477 पर पहुंच गई है। वहीं 289 लोगों की जान जाने के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,878 पर पहुंच गई है। वहीं बिहार की बात करें, बिहार में कोविड 19 के मामलों में आ रही लगातार गिरावट के बीच बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 30 मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि 1,15,198 सैंपल की जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 224 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमन कुमार, नुनू कुमार, समर राज, मासूम नेम रिंगटोन, निकिता कुमारी, कुणाल कुमार, लक्ष्मी कुमार यादव, वैद्यनाथ ठाकुर, हरिओम सिंह, नीतीश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में उद्योग की स्थापना करने में बिहार सरकार ने सराहनीय काम किया है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।